चलिए इसको देखें, ये एपरेटस लिसाजो फिगर एपरेटस कहलाता है। ओके, तो व्हाट आर लिसाजो फिगर, इसके अंदर दो ऑसिलेटर्स हैं। ओके, इस ऑसिलेटर को चलाते हैं तो दिस स्पॉट मूव्स अलोंग दिस एक्सिस। ओके, वी कॉल इट एज ए मोशन अंडर वाई एक्सिस, इसको यदि हम एक्स बोलेंगे तो, ठीक है ना। एक एक्सिस के अंडर सिंपरालमिक मोशन है। ओके, और इसको चलाएंगे तो दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। ओके, और यदि दोनों चले तो इट टेक्स ए टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर, तो इट कैन बी इलिप्टिकल और सर्कुलर डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू एंड द फेज। ओके, नमस्कार। अब इसमें दो तरह के मोशन होते हैं, दोनों ऑसिलेटर यदि सेम फेज में चलें तो सेम फेज में मीन्स दोनों को एक साथ चलाओ, तो अगेन इट इज ए स्ट्रेट लाइन। लिसाजो फिगर इज ए स्ट्रेट लाइन, बोथ आर मूविंग इन सेम फेज। ओके, और दोनों अपोजिट फेज में चलते हैं तो भी स्ट्रेट लाइन होती है, दोनों चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, तो दोनों में जब पाई बाई टू का डिफरेंस होता है तब सर्कल आता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स फेज डिफरेंस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो एंड पे रखो और इसको बीच से चालू करो, ठीक है। तो सेम फेज एंड आउट ऑफ फेज के बीच की सिचुएशन, एक सेंटर में रहे दूसरा एंड में रहे, ओके, तब ये सिचुएशन है। और नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल ऑसिलेटर, मीन्स इनकी जो हाइट है ये सेम है, मास सेम है। ओके, तो इफ यू एक्साइट वन दे आर कपल्ड थ्रू दिस मास। ओके, तो एनर्जी विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, सो देयर विल बी एनर्जी ट्रांसफर। तो कपल्ड ऑसिलेटर में क्या होता है, एक ऑसिलेटर से दूसरे ऑसिलेटर में एनर्जी चली जाती है, दैट इज विजिबल हियर, क्योंकि हमने तो चलाया एक तो स्ट्रेट लाइन थी, नाउ इट हैज स्टार्टेड बिकमिंग एलिप्स, और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो अकेला चलेगा और ये रुक जाएगा, ठीक है। दैट सिचुएशन विल कम, दैट विल शो कि एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड इट विल कम बैक। ओके, बिकॉज इट्स आइसोलेटेड सिस्टम, सो एनर्जी गोज फ्रॉम वन टू अदर, अदर टू वन एंड सो ऑन। ओके, कपलिंग कैन बी चेंज बाई रिड्यूसिंग दिस वेट। ओके, सो कपलिंग चेंज करने से जो एनर्जी ट्रांसफर टाइम है वो बदल जाता है। इफ द कपलिंग इज स्ट्रॉन्ग द एनर्जी ट्रांसफर इज क्विकली, इफ कपलिंग इज वीक इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर एनर्जी ट्रांसफर। ओके, वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नहीं, ये इनोवेशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की है, बिकॉज आई वर्क विद प्रोफेसर सराफ फॉर 30 ईयर्स, तो वहीं से सीखी चीजें। ओके, तो इज द सेम थिंग, द कंसेप्ट आर एडेड, ठीक है ना, एपरेटस वही है। हाँ, तो उसमें लिसाजो फिगर, हाँ वहाँ समझ में नहीं आती, यस बिल्कुल, ये सीआरओ की स्क्रीन जैसा दिख रहा है। ओके, ये जो लेंस लगा रखा है और वो लैंप है। ओके, सो दिस इज जस्ट ए ऑप्टिकल बीम, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम आती है, वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे स्पॉट देती है, लो कॉस्ट सीआरओ, एग्जैक्टली, यस, टू सी द लिसाजो फिगर। ओके, यदि आप जो कन्वेंशनल सीआरओ है उसमें मैग्नेट ले जाएंगे तो यू विल सी कि वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, मैग्नेट से, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती लाइट्स।